नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। नवंबर में कई दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर के महीने में दिवाली, छठ पूजा समेत कई त्योहारों की वजह से देश के अलग अलग इलाके में बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी राज्यों के मुताबिक अलग अलग होगी। हालांकि कुछ छुट्टियां ऐसी भी होंगी जिनमें देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शहरों के स्थानीय पर्व के चलते भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अलग अलग दिन छुट्टी होने के चलते बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। इसके साथ ही अगर आप नवंबर महीने में बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले ही निपटा लें, क्योंकि 8 नवंबर रविवार होने के कारण बैंक की छुट्टी रहेगी। 14 नवंबर दिवाली, अमावस्या, काली पूजा, 15 नवंबर रविवार होने के चलते सभी बैंक बंद रहेंगे। 16 नवंबर भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी होगी। इसके साथ ही 20 नवंबर छठ पूजा को लेकर खासकर बिहार की राजधानी पटना और रांची में छुट्टी रहेगी। 21 नवंबर को भी छठ पूजा के चलते बिहार की राजधानी पटना के सभी बैंक बंद रहेंगे। 22 नवंबर रविवार होने के चलते सभी बैंकों की छुट्टियां होंगी। 28 नवंबर महीने का चौथा शनिवार रहने की वजह से राज्यों के बैंकों की छुट्टी होगी। 29 नवंबर रविवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे और 30 नवंबर गुरु नानक जयंती के कारण बैंक को बंद रखा जाएगा। तेजस्वी यादव को अब मिलेगी और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मिल रहे सुरक्षा व्यवस्था पर शुरू हुई राजनीति पर चुनाव आयोग ने खुद ही संज्ञान ले लिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को मिल रही सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। जिसके तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजद की तरफ से सौंपे गए पत्र पर एक्शन लेते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने सभी जिले के जिलाधिकारी और SP को निर्देश जारी करते हुए तेजस्वी यादव के सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी आज की है, जिसके द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर तैयारी और सुरक्षा के तमाम इंतजाम पर बातचीत की गई है, जिसकी जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने दी है। बिहार में भी जल्द ही शुरू होगा रंगीन मछलियों का उत्पादन। बिहार में रंग बिरंगी मछलियों के उत्पादन को लेकर सरकार अब पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। इसीलिए तो बिहार में विभिन्न प्रकार के मछलियों के उत्पादन के लिए सरकार ने नए सिरे से योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कुटीर उद्योग में परिणत करने के लिए सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री विशेष योजना के तहत रंगीन मछलियों के संवर्धन एवं प्रजनन के लिए जिले में पहली बार मत्स्य विभाग द्वारा यूनिट स्थापित की जा रही है। प्रत्येक इकाई पर 25 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। इससे सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मछली पालन को बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग लाभुकों को 40-60% तक अनुदान उपलब्ध करवाने की तैयारी भी कर रहा है, जिसके लिए इच्छुक लाभुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन करने की मांग की गई है। मिड डे मील योजना के तहत बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के दौरान अक्टूबर और नवंबर के मिड डे मील योजना का अनाज और उसकी समतुल्य राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूल में नामांकित पहले से 8वीं तक के छात्रों को 2 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है कि लाभुक छात्रों को 2 महीने के MDM का खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाए। अक्टूबर और नवंबर महीने में कुल 40 कार्य दिवसों के लिए पहले से 8वीं तक के सभी छात्रों को MDM के तहत निर्धारित प्रति छात्र अनाज और प्रवर्तन मूल्य की राशि दी जाएगी। गौर करने की बात यह है कि पहली से 5वीं तक के छात्रों को हर दिन 100 ग्राम अनाज और 4.97 रुपए परिवर्तन मूल्य, जो कि कक्षा 6 से 8 के प्रति छात्र को 150 ग्राम खाद्यान्न और 7.45 रुपए अनाज पकाने का पैसा निर्धारित है। प्रधान सचिव ने जिलों को भेजे आदेश में कहा है कि निर्धारित मानकों के मुताबिक 2 महीने के लिए पहली से 5वीं तक के हर छात्र को 4 किलो अनाज और 198 रुपए, जबकि 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को प्रति छात्र 6 किलो अनाज और 298 रुपए दिए जाएंगे। चिराग ने युवाओं को सौंपा लोजपा के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। NDA से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार प्रसार जी तोड़ से शुरू कर दी है। साथ ही चुनावी सभा का आयोजन के साथ साथ युवाओं को भी सड़क पर उतार दिया गया है। बिहार को बिहारी फर्स्ट बनाने निकले चिराग ने अब चुनाव प्रचार का नया तरीका अपनाया है, जिसे जनता खूब सराह रही है। युवा चिराग इन दिनों लोजपा के प्रचार का जिम्मा भी युवाओं को सौंप चुके हैं। शुक्रवार को पटना की सड़कों पर लोजपा का चुनाव प्रचार करते फ्लैश मॉब को देखा गया, जिसमें 18 से 25 साल की उम्र के युवा पार्टी कैंपेन सॉन्ग पर नाचते हैं और जनता से लोजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते देखे गए। दूसरी तरफ अलग तरह का चुनाव प्रचार देखकर जनता भी काफी उत्साहित दिखी और काफी देर तक फ्लैश मॉब के आसपास जमा होकर देखती भी रहे। बिहार में इस बार फरवरी के अंत तक महसूस की जा सकती है ठंड। बिहारवासियों को अभी से ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं
जानकारों की माने तो बिहार में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ला नीना के प्रभाव के कारण दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी तक कोल्ड वेव या कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसमविदों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने सूबे में देर से दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहां तक कि इस बार पूरे सूबे में फरवरी तक ठंड के आसार देखने को मिलने वाले हैं। अभी से ही ठंड का एहसास बिहारवासियों को होने लगा है। इतना ही नहीं, न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे भी कई जिलों में दर्ज किया गया है। पछुआ हवा भी बहने लगी है, जिससे रात में आसमान के साफ होने की वजह से पृथ्वी की ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। लानीना की स्थितियां पैदा होने पर भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा मध्य भाग में समुद्री सतह का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। मौसमविद इसे कोल्ड इवेंट का भी नाम देते हैं। गोपालगंज में एक बार फिर से फ्री वैक्सीन मुहैया करवाने की कही गई बात। बिहार में विधानसभा चुनाव है और भाजपा के घोषणा पत्र की चर्चा हर ओर हो रही है, क्योंकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बिहारवासियों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का दावा किया था। इसी क्रम में बीते दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने भी गोपालगंज में 3 दिनों के कैंप के तहत मीडिया से बातचीत के दौरान भारत में कोविड-19 की वैक्सीन निकलने के बाद सबसे पहले बिहार के लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोविड-19 के वैक्सीन के निकलने के साथ ही बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारी शुरू की जा चुकी है। भारत को जैसे ही कोविड-19 के वैक्सीन उपलब्ध होंगे, वो आम जनता तक आसानी से पहुंचने लगे। चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव को मिली जमानत पर सीबीआई देगी चुनौती। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को 3 मामले में बेल मिल चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार चारा घोटाले के 5 मामलों में 4 में लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार घोषित किया जा चुका था। हालांकि लालू यादव को 3 मामले में बेल दे दी गई है, जिसको अब सीबीआई चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में लालू यादव के 5वें मामले में सुनवाई जारी है। यह मामला डोरंडा कोषागर से गलत तरीके से 139 करोड़ रुपए के निकासी से जुड़ा है। अगर लालू यादव को इस मामले में बेल मिल जाती है तो उनके सलाखों के पीछे से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर के बाद ही होगी, मगर जानकारी की माने तो लालू यादव को मिलने वाली बेल में सीबीआई रुकावट डाल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुल मिलाकर 14 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे संबोधन। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के जनसभा का दौर भी लगातार जारी है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लगातार कई जनसभाएं होंगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज 7 जगह पर जनसभाएं होंगी, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर, खगड़िया, सहरसा और पटना के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई विधानसभा क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव के सह मीडिया प्रमुख पंकज सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार बैकुंठपुर, गोपालगंज, बख्तियारपुर, पटना और विशुनपुरा बिहटा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी का वोट मांगने का दिखा नया अंदाज। खुद को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुकी पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार को बदलने की बात कहती नजर आई हैं। वहीं बिहार को यहां मौजूदा सभी राजनेताओं से छुटकारा दिलवाने का भी उनका संकल्प है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बाबत कहा है कि जो असली बिहारी है वो ही बिहार को चलाए। यहां कभी भी कोई भी किसी के साथ हो लेता है, सब एक ही है। सभी को पता है अगर एक शिक्षित मुख्यमंत्री बन गया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। कुछ इस अंदाज में बिहार की राजनीति करने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी का वोट मांगने का नया अंदाज सामने आया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी एक साइकिल चलाती हुई तस्वीर शेयर कर ट्वीट लिखा है, नौजवानों को बांकीपुर और पटना में पॉल्यूशन फ्री सड़कें, रेंटल साइकिल और अलग साइकिल ट्रैक कौन देगा? मैं नहीं, आपका वोट। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोट कीजिए, इतना कि ईवीएम भी गदगद हो जाए और नकली नेताओं की गिल्ली सहित विकेट उड़ जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में सरदार पटेल की याद में 182 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता
के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति कोविंद ने नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के एलजी अनिल बैजल भी मौजूद रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। जा प्रमुख पप्पू यादव ने मैट्रिक के आधार पर बिहार पुलिस में नौकरी देने का दिया आश्वासन। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियां मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के फिराक में लगी हुई है। वहीं सभी राजनीतिक दल खूब सारे वादे भी इसी क्रम में करती आई है। इसी क्रम में बीते दिन जा प्रमुख पप्पू यादव ने भी रोजगार का मुद्दा उठाते हुए युवा वोटरों पर निशाना साधने की कोशिश की है, जिसके तहत उन्होंने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में आबादी के हिसाब से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को खत्म किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नियुक्तियां केवल 10वीं के आधार पर और शारीरिक दक्षता के आधार पर करने की भी बात कही है। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेगी आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद की टीम। आईपीएल के मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद की टीम एक दूसरे से भिड़ते नजर आएगी। वहीं आज के मैच में विराट कोहली को अपने पिछले मैच में हार से सावधान रहना होगा और सनराइजर हैदराबाद से मुकाबला करने की जरूरत होगी। आरसीबी को दूसरे नंबर पर फिलहाल अंक तालिका में जगह मिली है और उन्हें अपने बाकी बचे दो मैच में से एक को सनराइजर हैदराबाद या फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीतने की जरूरत है। अगर आरसीबी अपने दोनों मैच हार जाती है और 14 अंक पर ही रहती है तब भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अन्य खेलों के अनुकूल परिणाम चाहिए होंगे, जिसके तहत आज आरसीबी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 12 मैच में से 10 अंक के साथ छठे स्थान पर है। हैदराबाद के संगठन को आरसीबी और एमआई के खिलाफ अपने शेष दो बचे मैच जीतने की जरूरत है। हालांकि दोनों गेम जीतना भी सनराइजर हैदराबाद के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। सोनू सूद से फैन ने की मालदीव पहुंचाने की गुजारिश, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोविड-19 के माहौल में जरूरतमंद लोगों के बढ़ चढ़ के मदद करते नजर आए थे। हालांकि अभी भी वो फिलहाल हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनसे मदद की गुहार लगाने वाले कभी निराश नहीं होते। वहीं सोशल मीडिया के जरिए सहायता मांगने वालों को तुरंत रिप्लाई भी करते हैं और उनसे उनकी जानकारी लेकर तुरंत मदद भी पहुंचाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो उनसे अजीब गरीब मांग भी करते हैं, जिस पर अभिनेता सोनू सूद ने भी मजेदार जवाब दिया है। हाल ही में एक यूजर ने सोनू सूद को टैग करते हुए ट्वीट किया, सर मुझे मालदीव जाना है, पहुंचा दो ना। इसके जवाब में सोनू सूद ने लिखा, साइकिल पर जाओगे या रिक्शा पर। वहीं सोनू सूद के इस ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है और फैंस की हंसी इस ट्वीट पर नहीं रुक रही है। वहीं कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी फैंस दे रहे हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 81 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 48,268 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 81,37,119 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 551 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 121,641 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 74,32,829 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 5,82,649 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आरसीबी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।